और यही से बैठ करके रोज स्वर्ग जाओ, रोज रोज वैकुंठ जाओ और वहां ब्रह्मा से मिलो और विष्णु से मिलो और शिव से मिलो। लेकिन आप बाहर से इन चर बाकों से आपको क्या पता, इधर से गए उधर उधर ढूंढ धोखा देने लगे, उधर किसी का खेत लूटने लगे, किसी को मारपीट करने लगे, तो फिर देवता की पूजा क्या हुई? ये मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा आपको, बोला अबकी दे दिया गया, इसलिए इसको बचाओ। अभी तक जो कुछ भी किया है गुनाह, अब उनको तो छोड़ दो, अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, जीवात्मा को जन्म मरण से बचाओ 84 से नरकों से, नहीं तो ये जाने वाली है और मनुष्य शरीर ये खाली होने वाला, ये तो किराए का मकान है। ए बच्चे बच्चियों, ये किराए का मकान है, वो ये नहीं देखा गया 2 बरस का है, 4 बरस का है, 10 का है, वो 20 साल का है, 50 का, 100 की पूंजी आपको दी जाती है, जिसकी पूंजी खत्म हुई अगर खड़ा हो जाएगा निकलो, उसी वक्त निकाल के तुमको खेत में रहोगे, खेत में बाहर रिश्तेदारी में आ रहे रस्ते में वहीं पर उसी जगह पर सो रहे हो, उसी जगह खा रहे हो, पूंजी खत्म हो गई उस जगह निकाल बात करें, बताओ फिर आप क्या ले आए थे, अजय क्या ले जाओगे बताओ। ये किराए का मकान हमारा भी है, हमको भी ये खाली कर दें, क्या हम ले जाएंगे, हमारा ये भी नहीं जाएगा, इसके साथ कुछ और जाएगा, एक सुई की नोक नहीं जाएगी, जब ये नहीं जाएगा वो सामान तो वो पड़ा, ये पड़ा इसको उठा करके उधर जंगल में फूंक देंगे, उधर ले जा करके, और न ये सामान मिलेगा और न ये उससे मिलेगा, न ये उसको देख सकता है, न सामान इसको देख सकता है, ये भी जड़ है और सामान भी जड़ है। तो फिर चेतन में आप बेचारे चेतन को आपने क्या किया, गड्ढे में डाल दिया। इस चेतन की पूजा तब होगी जब चेतन को जगा लो, जीवात्मा को जगाओ और दरवाजे पर दोनों आंखों के मध्य में जाग जाए, उसकी गंदगी दूर हो जाए, तब फिर तब परमात्मा की पूजा करे, तब मिले। सुलभ है, सीधा है, आसान, सब कर सकते हैं, स्त्री बच्चे पुरुष, खेत में खलिहान में घर में सुबह और शाम, तुम 1 घंटा समय नहीं निकाल सकते हो 24 घंटे में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, और वह इसी में समय सो करके और खा पी करके बिता रहे, ये धिक्कार है ऐसे जीवन को। तो देवी देवताओं से जिनको आप मानते चले आओ, उसे प्रार्थना करो कि हमको सद्बुद्धि दीजिए कि हम भौतिक चीजें समझ सके, और फिर अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए कोई ऐसा रास्ता हमको दिखा दीजिए, सुझाव हमको दे दीजिए, तो हम वहाँ पहुँच जाए, वहाँ रास्ता पा करके रास्ते से निकल जाए, तब ये जीवात्मा की गति यानी होगी छुटकारा, तब इसको छुटकारा होगा, तब मुक्ति और मोक्ष मिलेगी, नहीं तो परमात्मा क्या कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हो, न देवी देवताओं के पास पहुँच सकते हो, न स्वर्ग वैकुंठ में, न मनसूरी पा सकते हो, तो ये भटकती रहेगी जीवात्मा, जैसे पशु पक्षियों में वो भी तो जीवात्मा यही है, इसी मनुष्य शरीर से उसमें बंद की गई, ये कुत्ता हो गए, बिल्ली हो गए, गधा हो गए, चूहा हो गए, ये इसी में से गए, अब उसमें भोगने के बाद फिर इसमें आएंगे तो फिर वही काम करो, फिर उसी में जाओ, तो बस यही रहा रहेगा, आना और जाना, रो चिल्लाओ और कोई तुम्हारी सुनवाई नहीं। अरे कोई सुनता है, आदमी को जंगल में मार रहा, तुम सुन रहे हो उसकी तकलीफ को, पशु बीमार है, उनको आप मार रहे हो डंडे से, और चलो चलो उसको बुखार चढ़ा, सिर में दर्द है, उसको भूख लगी है, प्यास लगी, वो बेचारा तुम उससे पूछ रहे हो कि तुमको प्यास लगी है, वो बता देगा, अरे मनुष्य शरीर अमूलक है, ऐसा शरीर फिर मिलेगा नहीं, और कोई ऐसे काम कोई कर्म नहीं कर रहे हो जिससे मनुष्य शरीर पा जाओ, जो भी कर्म करते हो मनुष्य शरीर से नीचे जाने के, चारों खानों में जाने के और नरकों में जाने के काम कर रहे हो, तब आपको उस समय पर कोई बचाएगा नहीं, न रिश्तेदार, न भाई, न बहन, न पति, न पत्नी, न बच्चे, न बच्चों को माँ बाप, कोई न धन न दौलत, कौन इसको बचाएगा, सभी अलग अलग पर, सब अलग हो जाते, इसलिए आप लोग थोड़ा सा कुछ समझ लो कि मैं किस लिए आया हूं। यहाँ आपके बाईपास पर मथुरा में सत्संग होता है, तो आप जरा सा वहाँ थोड़ा समय दे करके समझ लो, अगर अच्छी चीज मिल जाए तो ले लो और अपने घर चले जाओ, अमोलक चीज मिले तो ले जाओ और नहीं तो अपने घर में रहो, जहाँ भी मिल जाओ वहाँ चले जाओ, तुमको सुलभ है। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जहाँ भी उस परमात्मा को प्राप्त करने वाले महात्मा इस मनुष्य रूपी मंदिर में मिल जाए वही चले जाइए, तो ये खड़ा हो गया है ये मंदिर, ये मनुष्य मंदिर खड़ा रहे,
इसमें सब बुरी बुरी चीजें भरी है और उनके द्वारा ये निकल जाएगा तो साफ सुथरा बड़ा सुंदर बड़ा अच्छा लगेगा उस समय पर, और जीव आत्मा जाग जाएगी तो जगमग 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 अंधेरे का नाम नहीं रहेगा, बाहर भी उजाला अंदर भी उजाला, तब आपकी समझ में आएगा ये संसार क्या है। नहीं भूल भुलैया है, ये छाया मकरना, ये छाया लड़के छाया, स्त्री छाया, पति छाया, ये मकान छाया, जमीन छाया, ये पशु छाया छाया, इसमें से जीवात्मा निकाल दी तो ये पड़ा हुआ क्या करोगे छाया में, रो रहे हो मेरा बच्चा मेरा पति मेरी पत्नी मेरा माँ मेरी भारत छाया किसके लिए रोते, छाया के लिए, उस जीवात्मा के लिए रोए, उसके लिए सोचा कि इसके अंदर कौन है, अरे भाई मन नहीं बुद्धि नहीं है चित्त नहीं शरीर नहीं हाथ नहीं पैर नहीं आंख नहीं, अरे वो जीवात्मा क्या चीज है जो इसमें से निकाल के अलग कर दी, शरीर तो ये पड़ा है, आंख भी है कान भी बोलता नहीं सुनता नहीं देखता नहीं हाथ नहीं हिलाता, और तुम तो मतलब ये कि इसमें माया की छाया में पड़े हो, मेरी मेरी आय मेरी ऐसे चले जाओगे आया करते और कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। इसलिए महात्माओं का सत्संग जरूर सुनो, वो ये नहीं कहते पूजा करो आप जरूर, लेकिन उनसे प्रार्थना करो हमको सद्बुद्धि दो सद्विचार दो हमको और हमको अच्छे कर्म का रास्ता मिले, हम चोरी चमारी इसको बंद कर दे, हम झूठ बोलना धोखा देना बेईमानी करना हमारा काम हमारा क्रोध हमारा लोभ हमारा मोह छूटे, और हमको कोई मिला दीजिए किसी से जो मनुष्य शरीर में आकर रास्ता बता रही आप बता दीजिए, देवता से कहो आप ही बता दो कि ये रास्ता जाने का है भगवान के पास, अगर नहीं बता सकते हो तो फिर किसी महात्मा से मिला दो, हमने इसलिए तुम्हारी पूजा की हो तुमको माना कि हमारा आत्म कल्याण हो जाएगा, जन्म मरण से बच जाएंगे, 84 नरकों से बचेंगे,